Hello friends, today I am going to share you a very interesting fact about 1 rupees. यानी कि मैं 1 रुपए के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताने जा रहा हूँ और इसी के जरिए मैं कुछ लेसन भी देना चाहता हूँ और खास के ये उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा जो पेरोल डील कर रहे हैं या जो एचआर एस्पायरेंट्स हैं, जो एचआर पेरोल में खास के काम करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है सो आप लोगों को काफी यूजफुल होगा। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद ही आपको समझ में आएगी जो मैं कहना क्या चाहता हूँ। और ये जो फैक्ट है ये मैं शेयर करने जा रहा हूँ 1 रुपए के बारे में। वैसे आपको ये मालूम हो जो कि हम लोग 1 रुपए की वैल्यू को समझते नहीं है। यूजुअली होता क्या है जो कि जो हम सब ये जानते हैं जो कि जो 1 रुपए का आजकल क्या वैल्यू है। इवन एक बेगर्स को भी, एक भिखारी को भी आप 1 रुपए दो तो वो भी, अब जब मैं रोड पे जाता हूँ और मैं कोई बेगर मिलता है मुझे, मैं 1 रुपए उनको शेयर देता हूँ तो वो भी बोलते हैं जो कि जो नहीं नहीं है, वो फेंक देते हैं, अब दोबारा रिटर्न करते हैं, आप ही ले लो ये मेरे तरफ से। तो सो ये ऐसी वैल्यू हो गई है 1 रुपए की। लेकिन फ्रेंड्स, यही 1 रुपया अगर आपको खास के आज के समय में, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप पेरोल प्रोफेशनल हैं और आप किसी एम्प्लॉय का टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहां पे 1 रुपए की अगर टैक्स लिमिट बढ़ जाती है तो उस एम्प्लॉय को 13,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। तो ये है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि जो आप 1 रुपया, 1 रुपीज वैसे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम 1 रुपया हमारी टैक्स लिमिट बढ़ जाता है, टैक्सेबल इनकम यानी कि यूजुअली 5 लाख रुपीज, 1920 फाइनेंशियल ईयर जो हमारा, उसमें 1920 में 5 लाख रुपीज एक टैक्स लिमिट फिक्स किया गया है, जो ये बताया गया है जो हमारी जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन में ये है और एज पर आवर गवर्नमेंट रूल ऑल्सो, जो कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी बढ़ गया तो आपको जो है सो 12,500 जो रिबेट है वो नहीं मिलेगा। यानी कि इस 1 रुपए के ही बेसिस पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ। अब वो फैक्ट है अबाउट द सेक्शन 87A, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक 87A सेक्शन है जिसमें प्रोविजन दिया गया हुआ है जो कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज तक होता है तो आपको 12,500 रुपए की रिबेट मिलेगी। दोस्तों तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, यानी कि अगर आप 87A के एक्ट के एज पर एक्ट रूल ये है जो कि अगर आपको 5 लाख रुपीज तक की इनकम है, 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम है, उस इनकम में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी हो गई, 1 रुपए भी इंक्रीज हो, यानी कि आप एज एचआर प्रोफेशनल काम करो, किसी से आपको बहुत ही दुश्मनी है, आप उसको 1 रुपए इंक्रीमेंट दे दो, वो आपको कोसेगा क्योंकि उस 1 रुपए की वजह से 13,000 रुपया अप्रोक्स 13,000 रुपीज उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको शेयर किया जो कि जो 1 रुपीज की क्या वैल्यू होती है, और इसी 1 रुपीज के वैल्यू के बेसिस पे मैं ये भी समझा दिया आपको जो सेक्शन 87A क्या होता है, और आप ये भी जान गए जो कि जो हमारी अभी टैक्सेबल लिमिट क्या है। और ये खास के रूल दोस्तों 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी निर्धारित किया गया, जो हमारी सरकार ने निर्धारित किया है। यूजुअली 1920 फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो बजट है स्पेशली 3 स्लैब फिक्स किया गया है जो आप सब लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दे रहा हूँ। खास के स्लैब है जो कि जो अगर आपकी 0 से 2.5 लाख तक इनकम है तो उसमें 0% की स्लैब है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो उसमें 5% की स्लैब है, और 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम है तो उसमें 20% स्लैब फिक्स किया गया है, अगर मोर देन 10 लाख आपकी इनकम होती है तो 30% स्लैब फिक्स किया गया हुआ है। यानी कि ये स्लैब और ये रूल ये जो है सो अभी खास के उन सब लोगों को ध्यान रखनी है जो कि जो खास के 1920 में अपना रिटर्न फाइल करेंगे और 1920 के लिए रिटर्न फाइल करेंगे, या फिर जो पेरोल प्रोफेशनल टीडीएस कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी टीडीएस आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये चीजें काफी ध्यान रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है जो कि जो कोई भी इम्प्लॉय का जो 87A सेक्शन के अंडर में जो रिबेट मिल रही है वो रिबेट 5 लाख तक ही मिलेगी, और अगर 1 रुपए की भी बढ़ोतरी हुई तो जैसे कि मैंने आपको ये बार बार ये बातें बताया कि 1 रुपए की भी अगर आप इंक्रीमेंट उसको देते हो, 1 रुपए बढ़ जाती है तो उसे लगभग 13,000 रुपए पे करनी पड़ती है।